धर्म सिंह सैनी ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या कहा है, कैसे उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी के जीत को कोई नहीं रोक पाएगा, और किस तरीके से उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि उनके नहीं होने से एक नाराजगी थी जो अब दूर हो गई है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कोई असर पड़ेगा, हम आज ये समझेंगे और धर्म सिंह सैनी की उन बातों को भी सुनाएंगे। इसके अलावा 8 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां क्या हाल है, कौन कौन नेता किसके सामने हैं और क्या है चुनावी समीकरण, हम आपको आज तफसील से ये बताएंगे। आज का यूपी में आज इन दोनों खबरों को आप हमारे साथ देखेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सचमुच धर्म सिंह सैनी का असर है, और खास करके कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये वो तीन इलाके हैं जहां पर धर्म सिंह सैनी का प्रभाव है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि धर्म सिंह सैनी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके के बड़े वो नेता हैं जिनका अपनी बिरादरी पर बड़ा प्रभाव है। यूं तो बीजेपी के भी होम ग्रोन यानी कि बीजेपी से निकले हुए इस बिरादरी के कई नेता हैं जिन्हें राज्यसभा, मंत्री, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन वो प्रभाव अभी तक अपनी बिरादरी पर वो नहीं छोड़ पाए हैं जो धर्म सिंह सैनी का माना जाता है। ऐसे में लास्ट मोमेंट कैच की तरह इन्हें देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की और शायद अब कल के मतदान में इसका असर दिखाई देगा। तो धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी ज्वाइन की है और उसके बाद वो पूरे फॉर्म में आ गए और अब वो कह रहे हैं कि अब जो सैनियों का, जो सैनी बिरादरी की नाराजगी थी वो दूर हो गई है। उनके लोग नाराज जरूर थे, ऐसे में अब वो नाराजगी दूर हो गई। वो अब फोन पर लगातार समर्थन की बात देने की बात कह रहे हैं, चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकते लेकिन वो अपने उस बिरादरी को बीजेपी के लिए समेट रहे हैं। ये जरूर है कि उनके आने में देरी हुई लेकिन ये संगठन का काम है कि उन्हें कब ले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुनिए क्या कह रहे हैं धर्म सिंह सैनी। इस बात को निराशा थी, वो निराशा अब तक बनी रही, माहौल कुछ लोगों ने ऐसा भी बनाया कि वो आशा जो है वो निराशा उनकी और पक्की हो गई, लेकिन अब सामान्य है। परसों जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो वो सब लोगों में एक यही है कि अब क्या इसके आगे क्या विकल्प है, जब मंत्री जी भी इधर, धर्म सिंह जी भी इधर ही आ गए तो अब हमारा जो है क्या नाम मजबूरी है। हम तो वैसे भी वो राष्ट्रवादी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाला है, तो इसलिए उन्हें कोई वापस आने में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और ना होगी। 2024 के चुनाव का कल पहला मतदान है। जी हाँ, 19 अप्रैल को यानी कि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर, ये वो 8 सीटें हैं जहां चुनाव होना है और इन 8 सीटों में बड़े बड़े कैंडिडेट्स शामिल हैं। वैसे बताऊं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 40% के आसपास है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये गठबंधन के लिहाज से बेहद ही मुफीद वो इलाका है जहां से 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो 8 में से 5 सीटें इस गठबंधन ने जीती, लेकिन 8 सीटों में क्या होगा। वैसे आपको बताएं कि जिनकी किस्मत दांव पर है बड़े नेताओं की, उसमें संजीव बालियान है और उनके सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से हरेंद्र मलिक है, जबकि तारा सिंह प्रजापति बीएसपी से है। ये जो चुनाव क्षेत्र है खास करके मुजफ्फरनगर का, ये बेहद दिलचस्प हो चला है। कहा यह जा रहा है कि बीएसपी के मैदान में उतरने से और खास करके प्रजापति बिरादरी का कैंडिडेट आने से, दारा सिंह प्रजापति के उतरने से ये चुनाव क्षेत्र, ये लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए टफ हो गया है और खास करके तीसरी बार चुनाव लड़ रहे संजीव बालियान के लिए। लेकिन इस पूरे इलाके में बीजेपी को एक फायदा है और वो फायदा ये कि
जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई। ऐसे में बीजेपी का जो इस पूरे इलाके से एक चुनौती मिलती थी उसमें एक वोटों का बड़ा बैंक वोट बैंक टॉप अप हुआ है। तो मुजफ्फरनगर पर सबकी नजरें हैं, कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर बीजेपी के लिए टफ है। दूसरी सीट की अगर हम चर्चा करें तो वो सीट है कैराना। कैराना से इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं, उम्मीदवार हैं, जबकि प्रदीप चौधरी कैराना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि इकरा हसन गठबंधन की उम्मीदवार है। और पिछले चुनाव में प्रदीप चौधरी ने यहां से जीत हासिल की थी, लगभग 95,000 का उनका मार्जिन था, लेकिन इस बार इकरा हसन गांव-गांव घूम रही हैं और उनको सभी बिरादरियों में उन्हें वोट मिल रहा है, जबकि प्रदीप चौधरी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा बताई गई है। कुछ बिरादरियों की नाराजगी है, खास करके देखा जाए तो राजपूत जो ठाकुर बिरादरी है उसने तो एक तरीके से मोर्चा ही खोल रखा है बीजेपी के खिलाफ। तो क्या कल जब वोटिंग होगा तो जो ठाकुर और राजपूत बिरादरी है क्या वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी या फिर एक बार फिर से अपने परंपरागत वोट बैंक को लेकर ठाकुर बिरादरी भाजपा को वोट करेगी, इस पर भी नजर रहेगी। बिजनौर सीट से चंदन चौहान आरएलडी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी और आरएलडी के समर्थित उम्मीदवार हैं, और उनके सामने चौधरी विजेंद्र सिंह हैं जो कि बीएसपी से उम्मीदवार हैं, संसाधन वाले नेता हैं, और समाजवादी पार्टी ने वहां दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी सैनी उम्मीदवार बिरादरी से। कहा यह जा रहा है कि यहाँ भी अच्छा मुकाबला है, हालांकि ये सीट पहले बीएसपी के पास थी जब मलुक नागर ने बिजनौर की सीट जीती थी, लेकिन इस बार मलुक नागर को बसपा ने टिकट नहीं दिया, तो मलुक नागर चुनाव तो नहीं लड़ रहे लेकिन वो आरएलडी के साथ आ गए हैं। चंदन चौहान मूलतः आरएलडी के विधायक हैं और साथ साथ वो गुजर बिरादरी से आते हैं। माना जा रहा है कि ये सीट आरएलडी की स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन चुनौती जाट बिरादरी से और बीएसपी से उन्हें दे रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। इसी तरीके से जो चौथी सीट है वो बहुत अहम है और वो है नगीना की सीट, और नगीना की सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण ताल ठोक रहे हैं। ओम कुमार बीजेपी से हैं, 3 बार के विधायक हैं और बीजेपी ने अपना उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से मनोज कुमार जो पूर्व जज हैं वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र कुमार बीएसपी से उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है। नगीना वो सीट है जो बसपा की स्ट्रांग होल्ड मानी जाती है, मुसलमान और दलित बड़ी तादाद में है और जिन्हें ये दोनों वोट मिलता है उसका जीतना तय है, लेकिन यहाँ पर वोटों का बिखराव देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम और दलित दोनों बिरादरियां बटेंगी और हो सकता है कि इसमें बीजेपी को फायदा हो जाए। 5वें सीट के तौर पर सहारनपुर बहुत अहम है और यहाँ से इमरान मसूद गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा के साझा उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि राघव लखनपाल यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीएसपी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। ये तीनों सीटें, चाहे बिजनौर की बात कर लें, नगीना की बात कर लें या फिर सहारनपुर की, पिछले बार 2019 में ये तीनों सीट बीएसपी के पास थी, इस बार की लड़ाई बहुत अहम है। सैनी बिरादरी बड़ी तादाद में यहाँ है और बीती शाम धर्म सिंह सैनी को बीजेपी ने ज्वाइन कराया है। धर्म सिंह सैनी बहुत वक्त से चाहते थे भाजपा में आना, लेकिन 2022 में जब वो बीजेपी छोड़कर गए थे अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद से उनका नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन सैनी बिरादरी की नाराजगी के बाद अचानक ही उनकी लॉटरी लगी और बीजेपी ने उन्हें मंगलवार की रात मेरठ में ज्वाइन कराया है। तो सहारनपुर पर नजरें टिकी हैं, क्या इस बार इमरान मसूद ये सीट जीत पाएंगे? बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट है, 40% के आसपास बताया जाता है, और कहा यह जाता है कि जिसकी तरफ एक तरफा मुस्लिम वोट जाएगा वो ये सीट निकाल ले जाएगा। ऐसे में इमरान मसूद पर नजरें हैं, लेकिन पिछले बार महज 21,000 वोट से हारे थे राघव लखनपाल, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि वो बहुत अच्छी लड़ाई में है। लेकिन बीएसपी इसलिए अहम है क्योंकि बीएसपी का जो अपना मूल वोट है, खास करके दलितों में, उसमें भी जाटों बिरादरी का
वो पूरी तरीके से कॉन्सोलिडेटेड है महामायावती के लिए। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां भी देखने को मिल रहा है, कौन जीतता है कौन हारता है ये कहना मुश्किल होगा। अगर हम पांचवी सीट की बात करें तो वो है मुरादाबाद, और मुरादाबाद में जैसा कि मालूम है कि रुचिवीरा इस बार समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन की उम्मीदवार है, और यहां पर आजम खान ने अपनी टांग अड़ाई और तय किया कि इस बार एसटी हसन को उम्मीदवार नहीं होंगे और रुचिवीरा को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। यहां 50% के आसपास मुसलमान है और ये माना जा रहा है कि यहां पर इस बार की लड़ाई बेहद कड़ी होने वाली है, क्योंकि मुसलमानों का जो सीधा रुझान है वो साफ साफ गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुंवर सर्वेश सिंह हालांकि इस वक्त बीमार है लेकिन बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं है, उनके बेटे विधायक उनके लिए चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। यहाँ पर आमने सामने की यहाँ पूरी तरीके से लड़ाई दिखाई देती है। अगर अगली सीट की बात करें तो वो आता है रामपुर की सीट, और रामपुर में इस बार आजम खान की नहीं चली है और अखिलेश यादव ने महबुल्ला नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के जामा मस्जिद के इमाम है और वो इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। दूसरी तरफ घनश्याम सिंह लोधी एक बार फिर, जो कि यहाँ के वर्तमान सांसद हैं बीजेपी से, एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कड़ा मुकाबला है। समाजवादी बसपा हालांकि त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि बीएसपी का उम्मीदवार मुस्लिम चेहरा है, लेकिन क्या बसपा मुसलमान वोट काट पाएगी? पूरे पश्चिम में इस बार मुसलमानों का वोट काफी मुसलमानों का वोट इन 8 सीटों पर काफी ज्यादा माना जा रहा है, 4 लाख 5 लाख से कम किसी इलाके में इनका वोट नहीं है। ऐसे में मुस्लिम वोट इसलिए भी अहम है कि अगर किसी को एक मुश्त पड़ता है तो वो जीत जाएगा, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि कई जगहों पर बीजेपी के लिए बहुत ही टफ मुकाबला है, क्योंकि मोदी योगी का नाम अपनी जगह पर है लेकिन स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हैं, नेताओं के चेहरे बहुत ज्यादा हावी हैं और खासकर जीते हुए कैंडिडेट्स के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी हावी है। तो कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर से अगर आप बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर इस जगह पर आए तो मुद्दों की भरमार है, और देखना यह है कि क्या ये मुद्दे इस बार हावी होते हैं या मोदी योगी का दौर चलता है। और आखिर में आपको बताएं कि पीलीभीत की सीट जहां से वरुण गांधी का टिकट काटा गया और जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है और बड़ा ही आमने सामने का ये मुकाबला माना जा रहा है, हालांकि वहां से भी बीएसपी ने अपना मुस्लिम चेहरा वहां उतारा है। अब देखना है कि क्या ये त्रिकोणीय होता है या फिर आमने सामने की लड़ाई होती है। अगर ये त्रिकोणीय हुआ तो यहाँ पर जितिन प्रसाद के लिए एडवांटेज है। तो कुल मिलाकर इन 8 सीटों पर का जो हाल है वो साफ साफ दिख रहा है कि पहले फेज में बीजेपी के पास महज 3 सीटें थी पिछले चुनाव में, गठबंधन के पास 5 थी, लेकिन इस बार गठबंधन टूटा हुआ है, सपा बसपा अलग अलग है, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है, तो बहुत सारे इस बार समीकरण बदले हुए हैं। मोदी योगी का फैक्टर कितना चलता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है और चुनाव की पल पल पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम अपनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।